अशोक चक्रधर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर सी कविता। 50-55 साल का इंसान बूढ़ा होता है ना जवान, वह ना बच्चा होता है ना बच्चों की तरह कच्चा होता है। वो पके फलों से लदा एक पेड़ होता है, आधी उम्र पार कर चुका होता है, लोग कहते हैं अधेड़ होता है। 50-55 साल का इंसान चुका हुआ नहीं होता, बल्कि उसे जो करना होता है कर चुका होता है। जवानों से मीठी ईर्ष्या रखता है, सद्भावना में फुका होता है, शामिल नहीं होता बूढ़ों की जमात में, बिदक जाता है जरा सी बात में। बच्चे उससे कतराते हैं, जवान सुरक्षित दूरी अपनाते हैं, बूढ़े उसके मामलों में टांग नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि वो वेल कैलकुलेटेड, कल्टीवेटेड, पूर्ण नियोजित और बार बार संशोधित पंगे लेता है। अपने पकाए फल, अपनी माया, अपनी छाया आसानी से दूसरों को नहीं देता है। वो बरगद नहीं होता, बल्कि अगस्त महीने का पस्त लेकिन मस्त आम का पेड़ होता है। आप कहते रहिए कि अधेड़ होता है, यही वह उम्र है जब इस कारण या उस कारण या बिना किसी कारण अंदर के बहुत अंदर कुछ क्रैक होता है। यही वह उम्र है जब हिम्मत ना रखे तो दिल पर पहला अटैक होता है, लेकिन सारे झटके झेल जाता है, जिंदगी को खेल जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका खुद का बनाया हुआ घोंसला होता है। इसलिए जीवन जीने का हौसला होता है। यही वह उम्र है जब व्यवहार में असफल हो तो सिद्धांत में ट्राई करता है। यही वह उम्र है जब वो बाल डाई करता है। यही वह उम्र है जब वो क्रमशः गंजवत को प्राप्त होता है। यही वह उम्र है जब वो उम्र के हर तत्व को प्राप्त होता है। 50-55 की उम्र कोई उम्र नहीं होती, चुलबुले बुलबुलों का एक बवाल है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। यह उम्र अपने ऊपर मुग्ध है, निहाल है, ऊपरी वैभव का इंद्रजाल है, बीती खुशबुओं का रुमाल है, समय की ग्राउंड की फुटबॉल है, एक तरफ चिकनी तो दूसरी तरफ रेगमाल है। संक्रमण के कण कण में वाचाल है, फिर भी खुशहाल है। इसलिए उम्र की डगरिया के स्वर्ण मील पत्थर के आसपास मेरे सभी 50-55 साल के दोस्तों, तुम सबका इस तक बाल है।